हेलो एवरीवन, मैं हूँ जूली और आपका स्वागत है जूलीस रेसिपी में। आज मैं आपके साथ चाप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम चाप लिया है। पहले हम इसे, इसकी जो स्टिक है, इसमें से हम बाहर निकाल लेंगे इसको, यहाँ से पकड़ के, और इसे हम बाहर की साइड खींचेंगे तो ये जो आप चाप देख रहे हैं ये बाहर निकल आएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बाहर निकल आएगा। इसी तरीके से आपको सारे चाप बाहर निकाल लेने। एक हम नाइफ लेंगे, इसकी हेल्प से हम इसे कट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से पीसेस आपको कट करने, आप अपने अकॉर्डिंग भी कट कर सकते हैं, जैसे आपके पीसेस चाहिए छोटे या बड़े। मैंने एक में से ये 5 पीसेस कट करे। इसी तरीके से हम बाकी के भी सारे कट कर लेंगे। देखिए मैंने सारे पीसेस कट कर लिए, अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए गैस पे मैंने एक बर्तन चढ़ा दिया, अब इसके अंदर हम तेल डालेंगे। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। अब इसे तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए हमारा तेल जो अच्छे से गर्म हो चुका है, चाप डालेंगे जो हमने कट करके रखा था। फिर चाप को हम इसको हाथ से नहीं डालेंगे, इस तरह का सा कोई बर्तन ले लेंगे उससे डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। डायरेक्ट हाथ से डालेंगे तो ये छींटे ऊपर भी आ सकते हैं तेल के, इसलिए किसी आप स्पैचुला ले लें या फिर कोई किसी बर्तन की हेल्प से डालें। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे डाल देंगे इसके अंदर। सारा चाप मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसे हम 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे, दूसरी साइड से पलट देते हैं। सबको दूसरी साइड से पलट दिया मैंने, अब इसे ऐसे ही पकने देंगे। इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, इसको हम दूसरी साइड से पलट देंगे। इस साइड से भी इसको पकने देंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने उसी बर्तन में से सारा तेल निकाल दिया है, अब इसके अंदर हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। ये मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो उसी रिफाइंड ऑयल में भी सब्जी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। इसके बाद हम 3 से 4 तेज पत्ते डालेंगे। एक बार इसे ऐसे मिक्स कर देंगे। और ये मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लिया था, इसे भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज को अच्छे से भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे हम। देखिए हमारा जो प्याज है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर। दो
दो से तीन मिनट तक इसको पकाएंगे, जब तक कि लहसुन की स्मेल ना चली जाए। ये देखिए हमारा लहसुन और अदरक भी अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हम टमाटर की प्यूरी डाल, ये मैंने दो टमाटर ले लिया बड़े साइज का, उसके मैंने पेस्ट बना लिया मिक्सर ग्राइंडर में डाल के। अब इसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। अब इसे भी हम साथ में पकाएंगे। ये देखिए हमारा टमाटर भी अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधी चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और आधी चम्मच इसके अंदर हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी सी इसके अंदर हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे कलर के लिए। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर। मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इनका तेल जो है मसालों से अलग ना हो जाए, जब तक अच्छे से भूनेंगे। बीच बीच में मसालों को चलाते रहें वरना ये चिपक सकता है। एक बार ये सब्जी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है सोयाबीन का चाप। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये सब्जी। ये देखिए हमारा जो मसाला है पकना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा तेल अलग होना शुरू हुआ है। अभी इसे और अच्छे से पकाएंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से बनता है तो हमारी जो सब्जी होती है बहुत टेस्टी बनती है, इसलिए मसाले को हमेशा अच्छे से पकाएं। ये देखिए हमारा जो तेल है मसालों से बिल्कुल अलग हो चुका है, यानी कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा पानी बो लिया, तो जो जार में थोड़े हमारे मसाले चिपके होते हैं ना उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उनसे अच्छे से साफ कर लिया है। मैं इसके अंदर एक कटोरी और पानी डालूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। अब अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए, थिक या पतली, जिसे जैसी भी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसके अंदर और पानी डालूंगी क्योंकि अभी ये पकने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी सब्जी। देखिए मैं एक कटोरी और डाल दे रही हूँ इसके अंदर पानी। अब इसे अच्छे से हम इसके अंदर पानी के अंदर अच्छे से उबाल आने देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए हमारी सब्जी के अंदर अच्छे से उबाल आ चुकी है। एक बार इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने जो सोयाबीन चाप रखा था फ्राई करके उसे हम ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम ढक देंगे, सेम ढके हुए पकने देंगे 5 से 7 मिनट तक। आइए सब्जी को चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए जो हमारी ग्रेवी है कुछ इस तरीके से है। आप चाहे तो इसे और गाढ़ा कर सकते हैं, थिक कर सकते हैं, ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। ये आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे हम।
बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।